इमरान खान की पार्टी की महारैली से डरी शहबाज सरकार। पाकिस्तानी संसद में एक बिल पेश हुआ है जिसमें इस्लामाबाद अथॉरिटीज को रैली पर बैन लगाने की ताकत दी गई है। 22 अगस्त को इमरान की तहरीके इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद चलो की कॉल दी है, मगर ये रैली टाल दी गई। अब एक हफ्ते बाद रैली होनी है, लेकिन हुक्मरान बेचैन है, इसलिए रैली से ठीक पहले पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन में पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 को पेश किया गया। बिल के मुताबिक इस्लामाबाद के अधिकारियों को रैली पर फाइनल फैसला लेने की इजाजत होगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के नाम पर भीड़ को कुछ खास इलाकों में रोका जा सकेगा। रेड जोन और हाई सिक्योरिटी जोन में रैली या फिर दूसरी गैदरिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। अब अगर पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रोका जाता है, पाबंदी लगाई जाती है, तो फिर शहबाज के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंटेनर खान की पार्टी ऐसे ही टकराव के लिए कुख्यात है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी को बलूचिस्तान वाले फ्रंट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक अगस्त के महीने में पाकिस्तान में सरकार विरोधी हिंसा के मामलों में खतरनाक ढंग से बढ़ोतरी हुई है, जो 6 साल में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। इतना ही नहीं, आर्मी अफसर की किडनैपिंग केस में भी सरकार की बहुत फजीहत हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।